खतरों के खिलाड़ी का इस वीकेंड का बहुत ही ज्यादा इंतजार करें, वीकेंड के एपिसोड का फैंस काफी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि इस एपिसोड में हमें दिखाई देने वाला है द टीम टास्क, जहां पे दो टीम्स बटती है, जो जो कंटेस्टेंट्स है अपनी अपनी टीम्स चूज करते हैं, लेकिन प्रतीक जो है उसमें मिसिंग है, तो शायद उसकी वजह जो है अब शायद सामने आती हुई नजर आ रही है। कोई हेलीकॉप्टर का एक बहुत ही बड़ा टास्क हुआ जिसमें एक बहुत बड़ा फॉल्ट हो गया, क्या वो प्रतीक के वजह से हुआ है, क्या वो प्रतीक ने किया है, या इट वॉज जस्ट श्योर बैड लक, ये तो हम एपिसोड के वक्त ही पता चलेगा। लेकिन फिलहाल बताती हूँ जो प्रोमो आउट हुआ है उसमें क्या कुछ दिखाई दे रहा है। मैं वेदांगी कर्णिक स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल फीफा फूस पे, और बता दे प्रोमो आउट हो चुका है जहाँ पे प्रतीक जो है हेलीकॉप्टर में बैठे हुए हैं, लेकिन हेलीकॉप्टर का जो है पूरा कंट्रोल जो है चला गया है, इस तरीके से दिखाई दे रहा है। हेलीकॉप्टर कहीं ना कहीं पानी में जा रहा है, और रोहित शेट्टी जो है वॉकी टॉकी पे कह रहे हैं कि प्रतीक कंट्रोल, अपने आप को संभाल के रखो, पकड़ के रखो, हेलीकॉप्टर का कंट्रोल जा रहा है। तो क्या इसमें प्रतीक के हाथों से ऐसी कोई गलती हो गई है जिसकी वजह से शायद हेलीकॉप्टर पानी में लैंड कर जाता है, क्या वो डिस्क्वालीफाई होते, क्योंकि खबरें ऐसी आ रही है कि उन्हें टास्क से डिस्क्वालीफाई कर दिया है, जिस वजह से टीम टास्क में वो है ही नहीं। बाकी दो येलो टीम और रेड टीम है, लेकिन दोनों ही टीम्स में प्रतीक कहीं पे भी नहीं है, सो उन्हें डिस्क्वालीफाई किया गया है बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग। तो ये प्रोमो आउट होने के बाद काफी डेंजरस, काफी खतरनाक लग रहा है, सारे कंटेस्टेंट्स डरे हुए लग रहे हैं प्रतीक के लिए ऑफकोर्स, एंड टास्क जिस तरीके से जा रहा है, क्या प्रतीक ने कोई इंस्ट्रक्शन सुने नहीं थे, या फिर प्रतीक को इन द स्टंट क्या उन्हें वो चॉपर चलाना था, क्या वो चला नहीं पाए, या फिर उन्हें नीचे उतरना था उतर नहीं पाए, कुछ तो हुआ जिसके वजह से जो है जो भी पर्सन हैंडल कर रहे थे हेलीकॉप्टर को चॉपर को, भले वो प्रतीक हो या उस टीम का कोई मेंबर हो, उनसे क्या कोई गलती हुई है, ये तो हमें आने वाला वक्त ही बताएगा। कैप्शन में लिखा है प्रतीक के चॉपर का लॉस्ट हुआ कंट्रोल, क्या वो सेफली शोर तक पहुंच पाएंगे, इस तरीके से कैप्शन लिखा जा रहा है। और काफ़ी लोग जो है कह रहे हैं गाइज इट्स अ प्रैंक चिल, तो कोई कह रहा है ये प्री प्लान्ड है, तो कोई कह रहा है ये पक्का कोई ना कोई प्रैंक होगा, इन लोगों के साथ खेल रहे होंगे, प्रतीक ऐसा कर ही नहीं सकता। कोई बोलता है खतरों के खिलाड़ी वाले इतनी अटमोस्ट सेफ्टी रखते हैं, पॉसिबल ही नहीं कि कुछ गड़बड़ होगा, लगता है रोहित शेट्टी और प्रतीक मिलके सारे कंटेस्टेंट्स को उल्लू बना रहे हैं। सो अब ये आने वाला वक्त ही बताएगा कि क्या ये कोई प्रैंक था या सच में ऐसा कुछ हुआ है, क्योंकि प्रतीक के डिस्क्वालीफाई होने की टीम टास्क से खबरें भी आ रही है। सो वेल, इस एपिसोड को लेकर कितने आप उत्सुक हो देखने के लिए, डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। आई विल सी यू गाइस सून।